पुरुष के शरीर में निपल्स होने का क्या कोई मतलब बनता है? इसका शरीर में उपयोग क्या है? असल में निपल्स का विकास इंसानों के भ्रूण में ही शुरू होता है। न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की पैलियोथ्रियोपोलॉजिस्ट इयोन टेटरसेल ने कहा है कि गर्भ में नर या मादा का भ्रूण का शुरुआत में एक ही जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, कोई अंतर नहीं होता। असल में इसकी सही शुरुआत तब होती है जब हम यौवन की दहलीज पर पहुंचते हैं, लेकिन पुरुषों में निपल्स एक वेस्टिजियल अंग है, यानी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। गर्भधारण के 6 से 7 हफ्ते के बाद वाई क्रोमोसोम्स की वजह से पुरुष का शरीर बनना शुरू होता है। सबसे पहले विकास होता है टेस्टिस का, ये अंग स्पर्म स्टोर करने का काम करता है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है जो पुरुषों का हार्मोन माना जाता है। यह हार्मोन भ्रूण के विकास के समय 9 हफ्ते से निकलना शुरू हो जाता है। ये जननांगों से संबंधित जेनेटिक बदलाव करना शुरू कर देता है। दिमाग भी इसी प्रकार से विकसित होना शुरू होता है। इयान टेटरसेल ने कहा है कि पुरुषों में निपल्स का होना किसी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जुड़ा नहीं है, लेकिन पुरुषों में इस अंग की जरूरत नहीं है। इसका इवैल्यूएशन के हिसाब से भी कोई महत्व नहीं है। एक ऐसा अंग है कि अगर ये पुरुषों में खत्म हो जाए तो शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। असल में पुरुषों के शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जो इवैल्यूएशन के समय से सिर्फ ढो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। यान कहते हैं कि कई बार इवैल्यूएशन के समय में विकसित अंगों का इस समय होना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन वो हैं, सिर्फ निपल ही नहीं, इंसान के शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। अगर ये खत्म भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपेंडिक्स, पुरुषों के स्तन ऊतक, विजडम टीथ और रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर यानी की पूंछ। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।